इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। शक्ल तो दिखाओ ना, शक्ल की। अरे भाई आपके जैसे खूबसूरत थोड़ी ना है जो शक्ल दिखाएंगे। यहाँ बात बात की हो रही है ना, बात बात की हो रही है तो बात से करेंगे। शक्ल दिखा के क्या करना है भैया, आंखों में आंखें डाल के दिखा के क्या करना है भाई। मुझे 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 बिल्कुल भी शौक नहीं है जो इतनी गंदी गालियां बके उस औरत को मैं अपनी शक्लें दिखाऊं या उनकी आंखों में आंखें डालूं। और ना ही भाई आपकी तरह तीन चार पांच शादियां जो है जो आप कह रही हो उस तरह का हमारे घर में कोई मसला है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम तो हमारे सेट और आपकी बातें सुन के पूरा घर हमारा हंस रहा है। घर का बच्चा बच्चा तक कह रहा है कि मम्मी इस औरत के कहां छुप गई जाके जो ये इतना चिल्ला रही है। मुझे बताओ तुम्हें किसने बताया मेरी पांच शादियां हुई हैं भाई। तो आप फिर कैसे कह सकते हो किसी के बारे में कि इनके ऊपर चार चार चढ़े होंगे। लग तो ऐसी फिर आपके पास कैसा प्रूफ है भाई। जिस हिसाब से आप फ्रस्ट्रेट होके गालियां बकती हो हर बात के पीछे आपके मुंह में जबान में बातें कम गालियां ज्यादा होती। फ्रस्ट्रेशन तो आपको दिखता है हमें। अलहमदुल्ला हमारे ऊपर तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। नहीं, 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 और हमारे अंदर है इतनी हिम्मत कि हम दो से तीन बार क्या। और आप जब जब लाइव आओगी मैं तब तब आपको कहूंगी मुझसे बात करो जिस टॉपिक पे आपको बात करनी है। आप अगर आपसे अगर किसी ने कहा आप प्रेग्नेंट हो तो आप उसको जो है वहां पर गालियां दे सकती थी कि भाई तू तेरा काम कर, तुझे कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है कि मैं तुझे प्रेग्नेंट दिख रही हूँ। आपने उसको उल्टा जवाब दिया होगा। आपने क्या कहा, हाय वालेकुम सलाम आए थे फूक कर चले। अरे मजाक में भी एक लिमिट होती है। आप मजाक में किसका मजाक ले रहे हो भाई, किसका मजाक ले रहे हो। अरे भाई तो मुसलमान हुई है ना, भले से बढ़ने के बाद में शैतान हो गई हो लेकिन उस बात का तो ध्यान रखो। रूह तो आज भी अल्लाह की वही बनाई हुई आपके अंदर पड़ी हुई है। भले से बाद में आप नंगे हो गए पर रूह तो वही है ना जो अल्लाह ने भेजी थी। भले से बाद में आपका दिमाग सत्यानाश हो गया हो, थोड़ा तो उस बात का लिहाज करो कि कहां आप जिब्रील अलैहिस्सलाम को डाल रहे हो। मुझे मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। थूकने का दिल कर रहा है यहाँ पे, इस उगलदान में थूकने का दिल कर रहा है। ये जो आप उगलदान खोल रही हो ना, इस उगलदान में मुझे थूकने का दिल कर रहा है कि मैं इस उगलदान के अंदर थूक दूं। इस उगलदान में मैं थूक दूं, मेरा ये दिल कर रहा है। समझ में आ रही है आपके बात। ये हाँ नाली है, ये वाकई में गटर की नाली है। ये खुल खुल के नाली खुल रही है कि आज ही मुझ पर थूक लो, मैं सब दिखा दूंगी। ठीक है, ये वो नाली है, ये वो गटर की नाली है। ठीक है, आपकी सारी। अरे मुझे कोई शौक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इन गंदगियों को देखने का शौक नहीं है। इतना देख, ये औरत के पास 1 मिलियन फॉलोवर्स है और इस 1 मिलियन फॉलोवर्स के अंदर 400 से 500 नंगे लोग आते हैं सिर्फ इसको देखने के लिए। 1 मिलियन फॉलोवर्स के अंदर देख खाली कि ये कितनी फेमस है। ये जो अपने आप को इतना फेमस बताती है, ये हर टॉपिक पे यूट्यूब पे आना चाहती है, ये मौलानाओं को गालियां देती है, मौलानाओं को पैसे दिए जा रहे हैं तो क्यों दिए जा रहे हैं। इनको पैसे दे दो स्टार के नाम पे, इनको पैसे दे दो स्टार के नाम पे। हद है यार, भिखारीपन की हद है। कनाडा का वीजा लेके पाकिस्तान से भगोड़ी भाग कर पहुंची है कनाडा, और कनाडा में बैठ के फेसबुक पे ये मांग रही है स्टार के नाम पे लोगों से पैसे। हाय रे गरीबी, हाय रे, हाय रे कनाडा के भिखारी लोग, हाय ये कनाडा के भिखारी। ओ अल्लाह, तूने कनाडा में भी भिखारी भेजे हुए, वहां के प्रेसिडेंट को पता चल जाए तो वो भी डूब के मर जाए कि कैसे कैसे भिखारी है। वो गटर देखने वाले, वो गटर देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं देख रहे तेरा गटर। फिक्र मत कर, सब देख रहे गटर, वो थूक रहे होंगे, सब थूक रहे होंगे तेरे उस गटर के ऊपर। ठीक है, सब थूक रहे होंगे। असल में ना सनी लियोनी मशहूर इतनी हुई है ना तो इसकी जल गई है कि सनी लियोनी मशहूर क्यों हुई है। अब मैं कुछ नंगा तो मैं थोड़ी सी मशहूर क्यों ना हो जाऊं, तो ये उसी औकात में उतर जाएगी भाई। हमारी इंडिया की एक्टर है वो भाई, वो किस वजह से, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अब इतनी तो पाकिस्त की कोई दिखाएगा नहीं, इतनी तो पाकिस्त की कोई नहीं दिखाएगा कि कौन है सनी लियोनी, किसी को पता नहीं है। तो ये बेचारी जी जो है सनी लियोनी पर लात मार के उनकी जगह खड़े होना चाहती है, पर इनको ये नहीं पता कि अगर आपने आज और आज के बाद जब कभी भी फरिश्तों को लेके, इस्लाम को लेके अपने मुंह से
करी तो मेरे साथ साथ कई लोग आपको जो इसी तरीके से लानते देंगे, और कमेंट कर लो तो डूब के मर जाओ, कमेंट अगर पढ़ लो तो डूब के मर जाओ। इतनी लानत सुनने के बाद तो शर्म से मुझे सी औरत डूब के मर जाती, पर बेगैरत औरत होती है ना तो वो डूब के नहीं मरती, वो इसी तरीके से अपना नंगापन दिखाती है। हाय रे बिचारी कनेडा की भिखारन, कनेडा की भिखारन आई है जी। अच्छी कनेडा ने भिखारियों का जमा कर रखा है पाकिस्तान से बुला बुला के, पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं, पाकिस्तान को ही गाली बकते हैं, पाकिस्तान पर ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान पर बातें करते हैं, जैसे इनको ठेका दे रखा है पाकिस्तान का, इंडिया का ठेका दे रखा है, इंडिया के भगवानों का हमने इनको ठेका देता है। अरे मैं प्राउडली कहती हूँ मैं इंडिया से हूँ, मुस्लिम इंडियन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर मेरे जितने फॉलोअर्स है वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम है, मेरे जितने फॉलोअर्स है फेसबुक पे सारे के सारे नॉन मुस्लिम है, और कभी किसी ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नहीं करी। तो लानती उससे अच्छे तो हमारे इंडिया के हिंदू भाई बहन है जो कभी इस तरह की बात नहीं करते। तो अगर किसी दिन शर्म आए तो डूब के मर जाना, उन मुद्दों को उठाना जैसे मक्खी गंदगी के ऊपर बैठती है, वैसे तू भी सिर्फ गंदगी ढूंढ ढूंढ के उसके ऊपर बैठती है, तू भी सिर्फ और सिर्फ गंदगी ढूंढ ढूंढ के उन पे बैठती है। अच्छी चीजें तेरी लाइफ में हुई नहीं है तो तू अच्छी चीजों के बारे में बात क्यों करेगी। पर ध्यान है इस बात के बारे में कि हम अगर तेरा इतनी दूर बैठ के अगर कुछ उखाड़ नहीं पाए ना, क्योंकि हम दूर है तुझसे, लेकिन अल्लाह की जब लानत बरसेगी ना तो ये शक्ल लेके दोबारा कभी फेसबुक पे तू आ भी नहीं पाएगी बच्ची, कभी नहीं आ पाएगी। अल्लाह के करम से देख रही हूँ तेरी और मेरी उम्र लगभग एक जैसी है, लेकिन अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि इस जैसे हमारे घर में तो क्या, हमारे मोहल्ले पड़ोस में तो क्या, हमारे इंडिया में कोई नहीं है। अरे इतनी लानतें दे रही है पूरी इंडिया की बहने तुझे, लानतें दे रही है भाई इतनी इंडिया की बहने, पाकिस्तान की भी दे रही है भाई, सभी दे रही है, और ये तब भी नंगी खोल खोल के दिखा रही है कि दे भाई स्टार दे दो मुझे, मैं कुछ कमा लूं, मुझे कुछ खाने नहीं मिला, मुझे कुछ पीने नहीं मिला, भाई कुछ स्टार दे दीजिए मुझे, मुझे स्टार दे दीजिए, मैं स्टार की मारी हुई हूँ, स्टार के लिए मैं आपको एक प्राइवेट ग्रुप भी दे दूंगी, वहां अपने नंगे कपड़े वाले पोज भी दे दूंगी। अरे भाई सिंपल वर्ड में इंडिया में बोला जाता है धंधा करना है तो ढंग से करो, इंडिया में बोला जाता है धंधा करना है तो ढंग से करो ना, इतना खुल के करो, खुल के करो, इंडिया में कहा जाता है और बिल्कुल कहा जाता है भाई। इंडिया की जो वैश्या है ना वो भी एक गलत के साथ में रहती होगी, लेकिन बस भाई बस, तेरा मियां तेरे को घर में मुंह खोल नहीं देगा तो मेरा घर खाली क्यों आई तू, तू अपनी लोंडी संभाल अपनी, समझ में आई ना, इंडिया में बैठे मैं, इंडिया इंडिया इंडिया, जरा जाओ ना इंडिया के, मैं भेजती हूँ तुमको ऐसे पेजेस, ठीक है ना, जिसमें आई पे लिखी नहीं और लड़कियां चुन रही है हिजाब में। सनी लियोनी के बारे में पेशाब ना करे, सनी लियोनी को देखा है बच्चे बच्चे ने देखा है, अरे जाओ अपने मोरा देकर आओ, तुम्हारी तुम्हारा बात है, समझ नहीं आई ना, इधर मैंने तुमको सुन लिया, मैंने सिर्फ इस वजह से तुम्हें इजाजत दे दी ना हौकने की, क्योंकि तुम लोग हो डिप्राइव, आपकी कोई सुनता तो नहीं है ना, घर में मर्द सुनता है ना, घर में इनके माँ बाप सुनते हैं, तो बेचारी फ्रस्ट्रेटेड होकर मुझे सुनाने आ, तो क्या किया जाए ऐसी औरतों का बेचारी, इनके साथ मुझे फर्क आता है। हाँ जी बोलिए, क्या तकलीफ है आपको इस्लाम से और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे पता है मरियम की प्रेगनेंट कैसे हुई थी, आपको पता है मरियम के आगे मरियम अलैहिस्सलाम लगाया जाता है? नहीं मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो कनाडा में बैठी हूँ, क्या आप जब मुसलमान नहीं हो तो मुसलमान के फरिश्तों का नाम भी आप कैसे ले सकते हो? आप मुसलमान नहीं हो तो आपको हक किसने दिया कि उनके बारे में इस तरह से ऑल फॉल आप लाइफ पर आके बक दोगी, हक दोगी, और आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करेगा? आपको नहीं लगता ऐसा कि आपका पेज हम बैन करवा सकते हैं? कि आपको नहीं लगता ऐसा? अरे आप अपने पाकिस्तान के बारे में बोलिए, जिसने आपके ऊपर इतनी ढेरों गलाजत डाल के रखी, आप उनके बारे में जितना दिल चाहे बोलिए, ठीक है, लेकिन इस्लाम तक, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तक आपको आने का हक किसने दे दिया? इतना हक आपको किसने दे दिया भाई? आप अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट औरत हो, मैं समझ सकती हूँ, लाइफ में बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होगी, आदमियों से फ्रस्ट्रेशन होगी, भाई पाकिस्तान से लात मार के भगा दिया गया होगा, वहां की फ्रस्ट्रेशन हो,
होगी, वहाँ के मर्दों ने आपको बहुत जलील किया होगा, वहाँ की फ्रस्ट्रेशन होगी, सब तरह की फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर होगी। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन जब इस तरह की होती है तो मैं समझ सकती हूँ कि भाई लाइफ पर आके आप इस तरह की गंदी गलाजत कर सकती हो, स्टार के नाम पे भीख मांग सकती हो। लाओ भाई कंजर की औलाद, ये कंजरियां होती है ना इस तरह बात की। पहले तो मैडम आपका दिमाग आधा है, समझ में आई ना? तो जिन औरतों का, मुसलमान औरतों का दिमाग आधा होता है ना, मैं उनसे बात क्यों करूं? आपका दिमाग आधा है, समझ में आई ना? आपकी औकात आधी है आपके मजहब में। आप जो है ना एक लौंडी है, आपके ऊपर चार बीवियां और आ सकती हैं, समझ में आई ना? तीन बीवियां और आ सकती हैं, सब्र करो। तो आप जो है ना सर अपनी औकात में आ जाए। टट्टी आज तुम्हारी शक्ल है, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है नहीं, तो अपनी शक्ल दिखा रहे हैं यहाँ पर। हाँ भाई की लोड़ी, तुम क्या समझती हो कि सारे पाकिस्तान चूतिया, तुझको अभी मिल जाए ना सिटीजनशिप तो गांड में घुसा कर ना पासपोर्ट और यहाँ भागेगी तू। मुझे आके यहाँ जितना बता रही हो ना कि पाकिस्तान से निकाल दिया था, हाँ भागे वहां से तुम जैसे कमीनों की वजह से जो समझते हैं इस्लाम का सारी दुनिया में नाम ऊपर होना चाहिए, कहाँ निकले यहाँ से तुम लोगों को। तो मैं कहती हूँ अपने मुल्कों से बाहर निकलने नहीं देना चाहिए, वहीं बंद करो तुम लोगों को गारों में, जाओ गारों में मरो अपनी चूतिया। तो नहीं कहाँ से आ जाती है, आओ आओ मैं दोबारा तुमसे बात करूंगी, मगर थोड़ा तरीके से बात करना। लगता है इस्लाम ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि बात कैसे करते हैं। फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन क्यों, तुमको चार चार बार ठोक रहे होते हैं, तेरी फ्रस्ट्रेशन निकली हुई है मेरे ख्याल से। मैं तो समझी इस्लाम में सिर्फ एक औरत के लिए एक ही मत था, इनको चार चार ठोक रहे इस वजह से इनकी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकली है। पड़ी नहीं जो लोग अपनी औकात तो देखो तुम्हारी रिलीजन में क्या देता है, पहले जाकर तुम जाके अपनी औकात देखो। तुम्हारा दिमाग आधा, तुम्हारी औकात आधी, तुम्हारी जो है विरासत में आधी, तुम्हारी गवाही आधी, तुम्हारा रेप हो जाए तुमको चार मर्द चाहिए होंगे जो आके कहे हाँ हमने देखा इसका रेप होते हुए। अरे यार जाओ, तुम्हें पता ही है इस्लाम, मैं मरियम को मरियम अलैहि सलाम बोले, और तुम शिवा को बोलो ना जाके शिवा राम, इनको एक रिस्पेक्ट हो ना, जरा दो अहमदियों को रिस्पेक्ट दो ना, अपने मुल्क में किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगी। और यहाँ पर आके भैंसो आ जाती है भाई की लोड़ी, आकर बकवास करना शुरू हो जाती है कमीनी औरतें। शक्ल तो दिखाया करो ना, हिम्मत है नहीं शक्ल दिखाने की। दिखाते हैं इसको तो दिखाओ ना, तो मुझे क्या दिखाओ, हर हर लीन मलिक मेरे को नहीं परवा, तू किसी को भी दिखा अपना जिस्म, मेरी जात पे क्या उससे फर्क पड़ता है। आई डोंट गिव अ शिट आप किसके साथ सो किसके साथ क्या करो। हाँ जी अब बोलिए, बड़ा शौक था फेसबुक पे वीडियो देखने का, बंद कर इसकी। अरे आवाज किसकी भी हो, आपको तो चेहरे देखने हैं ना, आपको तो मर्दों के चेहरे देखने, ले जो ले दे, देख लो जी भाई मर्द कैसे होते हैं। आपकी क्या मर्द को सवाल करके बात कर रही है, देख लीजिए भाई मर्द कैसे होते हैं, आपको तो वीडियो कॉल देखना था ना, चलो देख लो दिल खुश कर लो, आपको तो मर्दों को देख के दिल खुश होता है, लो जी वही कर लो, मैंने कहा उनको ही दिखा दूं। स्टैंडर्ड वाला है भाई, स्टैंडर्ड वाला, ओ माय गॉड, जिसकी खुद की कोई औकात नहीं वो मर्दों को स्टैंडर्ड गिन रही है। यार दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अपनी बात अपनी शक्ल दिखा के मर्द के पीछे रह के हमेशा करना है, कभी अपने बलबूते पे खड़े होकर ना काम करके देखो, पता चलेगा तुमको फिर इंडिपेंडेंसी होती क्या है। अरे भाई पल्लू में छुप के मर्द के अपने बाबा के आप यहाँ पर आई है मर्द दिखा रही है, यार व्हाट द फक इज दैट, क्या गया मूंछ में। और भाई साहब और बहन साहब मैं जो ना हितरिक रोशन हो जाए, यहाँ पे गोरे गोरे जो है ना सिक्स पैक वाले इतने खूबसूरत खूबसूरत मुंडे होते, ये आपने कहा सुल्तान राही को मुझको दिखा दिया, सुल्तान राही ने तो यहाँ पर सहरा बन जाएगा, यहाँ पर पानी वानी कुछ नहीं होना, ड्राई हो जाऊंगा बिल्कुल ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।